जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान थर्ड T20 मैच रू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन शाम के 6 बजे स्टार्ट होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 7 अप्रैल को साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का थर्ड ODI मैच खेला गया था और इस वेन्यू के ऊपर लास्ट T20 मैच कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 19 फरवरी 2020 को। कौन सी टीम्स के बीच में मैच हुआ था? ये हुआ था आयरलैंड ए वर्सेस नामीबिया के बीच में। तो उस मैच के अंदर अपन ने क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज है, तो आपको सबसे पहले फोटोज के ऊपर लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हो पिच यहाँ पर इस तरह से दिखने वाली है। इस पिच की खासियत क्या है दोस्तों? जो ये वेन्यू है ना सेंचुरियन, इसकी पिच की खासियत यह है कि यहाँ पर ना बॉल बैट के ऊपर बहुत इजीली आती है, स्पेशली दूसरी पारी के अंदर। यहाँ पर ना 200 प्लस के टारगेट भी चेस हुए हैं, तो अपन कह सकते हैं एकदम बढ़िया बैटिंग करने के लिए सरफेस रहेगा। और यहाँ पर पिच के अंदर ना आपको हल्के से क्रैक्स दिखेंगे, आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर टर्न देखने को आपको मिल सकता है, स्पिनर्स आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गेम के अंदर दूसरी पारी के अंदर। आप देख सकते हो पिच को, ठीक है, या आप देख लो, ठीक है। ये पीछे दोस्तों यहाँ पे क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, हल्के हल्के से क्रैक्स हैं, एकदम फ्लैट विकेट लग रहा है दोस्तों, एकदम रोड टाइप विकेट लग रहा है मेरे को। फिर से ये यहाँ पर रन सच से बनने चाहिए। ये स्टेडियम है दोस्तों, बहुत शानदार सा स्टेडियम है, बहुत मजा आएगा दोस्तों उस मैच को देखने के अंदर। यहाँ पे बात करते हैं किसकी, स्टैट्स की। अब यहाँ पे ध्यान देना है, पिच मेरे हिसाब से दोस्तों यूज हो सकती है, यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। और इस वेन्यू के ऊपर ना सुपर स्पोर्ट्स पार्क के ऊपर दूसरी पारी के अंदर बॉल बैट के ऊपर बहुत इजीली आती है। यहाँ पर स्क्वायर बाउंड्रीज ना थोड़ी सी छोटी है। अब आपको समझाता हूँ स्क्वायर बाउंड्रीज होती क्या है। ये समझो दोस्तों पिच है, ये अपना सर्कल हो गया, ये अपना 6-4 की बाउंड्री रूप्स हो गई। यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज इसको बोलते हैं जो लेग साइड की होती है और जो ऑफ साइड की होती है। यहाँ पर ना इस वेन्यू के ऊपर सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरी के ऊपर स्क्वायर बाउंड्रीज आपको 64-70 मीटर की दिखेगी, ठीक है। एक साइड में बाउंड्री थोड़ी सी छोटी होती है और एक साइड में बड़ी होती है। तो यहाँ पे बैट्समैन क्या करते हैं, थोड़ा सा शफल होकर ना लेग साइड को या छोटी साइड्स को टारगेट करते हैं, और सामने वाली बाउंड्री लंबी यार 80 मीटर की है, तो यहाँ पे सामने ज़्यादातर बैट्समैन शॉट्स नहीं मारते हैं। और इस वेन्यू के ऊपर दोनों टीम्स ने सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरी के ऊपर साउथ अफ्रीका ने और पाकिस्तान ने आपस के अंदर 2 मैचेस खेले हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान ने दोस्तों 2 के 2 मैचेस जीते हैं। और इस वेन्यू के ऊपर साउथ अफ्रीका ने आज तक 10 मैचेस खेले हैं, T20 के अंदर 5 मैचेस जीती है और 5 मैचेस हारी है। एवरेज स्कोर आपको करीबन यहाँ पर 150-180 बनता दिखेगा। और यहाँ पे लास्ट 3 मैचेस में क्या होता है आपको ध्यान देना है, 2020 के अंदर ना इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस हुए थे फैब के अंदर, तब ना इस वेन्यू के ऊपर जो टीम पहले बैटिंग कर रही थी वो 1 बार जीती थी आउट ऑफ 3 गेम्स T20 के अंदर, और जो टीम यहाँ पे चेस कर रही थी ना दोस्तों वो 2 बार जीती थी। तो यहाँ पे चेसिंग करना मेरे हिसाब से फेवरेट रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट 3 मैचेस में क्या कहानी दोस्तों यहाँ पे रची थी, आपको ध्यान देना है। लास्ट 3 मैचेस में देखो क्या हुआ था, पेसर्स ने मतलब तेज गेंदबाजों ने यहाँ पर 31 विकेट निकाले थे, वहीं स्पिनर्स ने यहाँ पर 7 विकेट निकाले थे। अब आपको ध्यान क्या देना है कि पहली पारी के अंदर किसने कितने विकेट्स निकाले, किस टाइप के बॉलर्स ने दोस्तों यहाँ पे विकेट निकाले। देखो यहाँ पे पहली पारी के अंदर पेसर्स ने 16 विकेट निकाले, वहीं दूसरी पारी के अंदर 15 विकेट निकाले थे, ठीक है। अब देखो जो अपने लेफ्ट आर्म पेसर्स थे ना उन्होंने यहाँ पर 9 विकेट निकाले, और जो राइट आर्म बॉलर्स थे उन्होंने यहाँ पे 22 विकेट निकाले। आप टोटल करो 22 + 9 = 31, 15 + 16 = 31 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये अभी आपको बता दिया मैंने किस टाइप के बॉलर्स ने विकेट निकाला, पहली पारी में कितने विकेट गिरे, दूसरी पारी के अंदर कितने विकेट गिरे। स्पिनर्स की बात करते हैं, 7 विकेट जैसा आपसे कहा मैंने निकाले स्पिनर्स ने, पहली पारी के अंदर 3 और दूसरी पारी के अंदर 4। अब ध्यान देना है लेग स्पिनर्स ने दोस्तों 4 विकेट निकाले, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने 1, लेफ्ट आर्म चाइनामैन ने 1 और ऑफ स्पिनर ने 1। तो यहाँ पर टोटल 7 विकेट निकाले, पहली पारी में 3, दूसरी पारी के अंदर 4। जो लास्ट मैच हुआ था यहाँ पर T20 का, कौन सा, आयरलैंड ए वर्सेस नामीबिया का, जो था 19 फरवरी 2020 को। उस मैच के अंदर 11 विकेट यहाँ पे निकाले थे पेसर्स ने और 3 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाले थे। सनी वेदर दोस्तों रहेगा, बारिश की बिल्कुल आसार नहीं। वीडियो को दोस्तों लाइक करना, आपकी डिमांड थी यार कि प्लीज़ भाई ये मैच कवर कर लो, करके मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत शानदार मैच रहेगा। जो लोग दोस्तों पिछले मैच के अंदर ना बेसिक्स, जिसको अपन बोलते हैं बेसिक्स के साथ स्टिक रहे थे ना, जॉर्ज लिंडे, ठीक है, रिचार्ड विलियम्स, बैरन हैंड्रिक्स, तो उनको पता रहेगा दोस्तों किस तरह से अपना स्टार्टिंग के मैचेस गए थे, ठीक है। मैंने कह रहा दोस्तों मैंने खुद ने टीम शेयर नहीं करी थी, आप भी जानते हो, पर जिन लोगों को पता रहेगा दोस्तों मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था कि किस तरह से दोस्तों पूरा मैच गया था वहाँ पर। आप देखो यहाँ पे कोई भी फाइनल टीम्स आएगी, फर्दर अपडेट्स आएगी, ये आपको कहाँ पे मिलेगी। वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, सबसे टॉप पे आपको वहाँ पे एक कमेंट सेक्शन के अंदर ना सबसे टॉप पे पिन करा हुआ कमेंट मिलेगा,
जिसके अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर 81,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स रहेंगे। आपको उस पर क्लिक करना है और आप हमसे डायरेक्टली जुड़ जाओगे, ठीक है। वीडियो के बाद जुड़ जाना, मैंडेटरी नहीं है, बस जुड़ सकते हो दोस्तों। कोई भी अपडेट आई है तो आपको वहाँ पे दे दूंगा। न्यूज़ दोस्तों वही बेसिक वाली है जो आपको मैंने बताई थी पहले वीडियो में। टेम्बो बहुमा एंड्रेज क्लासिन यहाँ पे लीड कर रहे हैं, बहुमा तो बाहर हो चुके हैं। रेसिव अंडरसन को स्ट्रेन इंजरी है, फिटनेस टेस्ट पास करेंगे। रिजा एंड्रिक्स को बेबी हुआ है तो वो अवेलेबल नहीं है। ड्वेन पीटर्स को रिप फ्रैक्चर हुआ है, ये स्क्वाड के अंदर है दोस्तों। एडन माकरम ने बहुत अच्छा इंपैक्ट मारा है, ये प्लेयर्स आईपीएल के अंदर जा ही चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से फखर जमन दोस्तों पिछले मैच के अंदर इंजर्ड हुए थे। फर्स्ट T20 के अंदर आपने देखा रहेगा, सेकंड T20 मैच खेला नहीं था। इस मैच के अंदर फिटनेस टेस्ट भी पास करेंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी, जब दोनों टीम आपस में खेलती है तब क्या होता है। दोनों टीम्स ने आपस में 20 मैचेस खेले T20 के अंदर। साउथ अफ्रीका 10 बार जीती है और पाकिस्तान 9 बार जीती है। एक मैच इनका रद्द हो गया था बारिश के कारण। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी लाइनअप्स की, तो यहाँ से आनिमान मलन ओपनिंग करते हैं एडिन माकरम के साथ। ये दोस्तों जो वेन्यू है ना, सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन, ये होम ग्राउंड है किसका, टाइटंस का। जैसे अपने इंडिया के अंदर बड़ौदा टीम हो जाती है, मुंबई हो जाती है, महाराष्ट्र हो जाती है, ठीक है, डोमेस्टिक टीम से विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर खेलती है, विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर है ना, तो इसी तरह ना यहाँ पर टाइटंस एक करके टीम है, तो इनका होम ग्राउंड है। इसमें एडन माकरम खेलते हैं, हेनरिच क्लासिन खेलते हैं, इनका होम ग्राउंड है। लिजार्ड विलियम्स का होम ग्राउंड है, तब्राइज शमशी का होम ग्राउंड है, और फिर यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्यान लुबे इस मैच में शायद ही खेलेंगे, इनके बदले कायले वर्नाइन को बुलाया जा सकता है इस मैच के अंदर। जो कॉमेंटेटर्स थे, मैंने पूरा मैच देखा था दोस्तों, वहाँ पे ये कह रहे थे, हाईलाइट देख रही थी, पूरा मैच तो नहीं देखा था, आईपीएल देख रहे थे अपन तो वैसे भी, तो उसके अंदर ना कायले वर्नाइन के बारे में कहा जा रहा था, इस खिलाड़ी को दोस्तों खिलाना चाहिए, ये बहुत शानदार खिलाड़ी है, देखते हैं क्या होता है। हेनरिच क्लासिन राइटी बैटिंग, 2 डाउन आते हैं इन फॉर्म। पीटर वन बिल्जन राइटी बैटिंग, नंबर 3 पे आके खेलते हैं। फिर आएंगे यहाँ से जॉर्ज लिंडे, पिछले मैच हीरो रहे थे, रिसेंट फॉर्म बहुत घातक है इसका। एंड लुफिल्वाकियो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, टीम मैनेजमेंट इसको बॉलिंग नहीं दे रही, बैटिंग नहीं दे रही है। लिजार्ड विलियम्स, सुशांत मंगाला, बैरन हैंड्रिक्स, तब्राइज शमशी, यहाँ पे मेरे हिसाब से ना मिगेल प्यूटर्स भी डेब्यू कर सकते हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाज है, सुशांत मंगाला के बदले कर सकते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। प्रमुख गेंदबाज रहेंगे यहाँ पे लिंडे जी, मंगाला, लिजार्ड विलियम्स, बैरन हैंड्रिक्स, शमशी। फिलहाल ने दोस्तों पिछले मैच में बॉल को हाथ ही नहीं लगाया था, एकदम स्ट्रेंज चीज थी। अब बात करें यहाँ पे पाकिस्तान की, रिजवान साहब ओपन करेंगे शर्जिल खान के साथ, बबर अजम 1 डाउन, हफीज आएंगे 2, हैदर अली 3, मोहम्मद नवाज 4 नंबर पे, फोहिम अशरफ नंबर 5 पे। आजकल तो हसन अली को दोस्तों प्रमोशन मिल जाता है। फिर आएंगे यहाँ से उस्मान कादिर, शहनशाह अफरीदी, हरीश राव। प्रमुख गेंदबाज रहेंगे नवाज, हसन अली, कादिर, शहनशाह अफरीदी, हरीश राव दोस्तों शायद ही खेलेंगे, उनके बदले मोहम्मद हसनैन आ सकते हैं, चांस तो भी लग रहा है, पिछले मैच में भी हुआ था। गिव अवे किस पे, बबर अजम पे यार, शानदार जानदार खिलाड़ी है। हैशटैग लिखना है स्टैट्स गुरुजी, लिखना आपको, ठीक है, इस तरह से आपको कमेंट करना है BA बब्बर अजम कितने रन बनाएंगे, ठीक है, जो सबसे पहले कमेंट देगा दोस्तों यहाँ पे गिव अवे मिलेगा, तो कमेंट करके आपको जाना है यहाँ पर। और फखर जमन दोस्तों अगर फिट होते हैं तो 1 डाउन खेलेंगे, बब्बर अजम और फिर मोहम्मद रिजवान ओपनिंग कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, जब दोनों टीम आपस में खेलते तब क्या होता है, अब आपको ध्यान देना है। आनिमान मलन जब खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ में तो 7 मैच के अंदर 149 रन से हाइस्ट 44 है, 30+ 2 बार करा है, पहली बारी में 33, 24, 27, दूसरी बारी में 44, 15, 4, 2, ये पहली पारी वाले प्लेयर हैं। एडन माकरम आएंगे यहाँ से, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर दोस्तों अभी दिख रहे हैं इस टाइम पे साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर, जो इनफॉर्म है यार, अलग खिलाड़ी है इसका। देखो 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ में 51-50 है, और विहान लुबे की बात करते हैं तो 2 मैचेस के अंदर 16 रन है। CSA T20 लीग के अंदर 5 मैचेस के अंदर 118 रन थे। क्लासेन आएंगे यहाँ से, कैप्टन से कह रहे हैं अपनी टीम को लीड कर रहे हैं यार, भली बात ही जानते हैं अगर ये अच्छे से नहीं खेलेंगे तो इनकी टीम में जगह बनेगी नहीं, तो कर रहे हैं दोस्तों अपना काम। हेनरिच क्लासेन 8 मैचेस के अंदर 32 के एवरेज है, दोनों मैचेस में लगभग 30+ की नॉक्स खेल चुके हैं, 127 रन है, हाइस्ट 50 है, 30+ 2 बार करा है। और CSA T20 लीग के अंदर 5 मैचेस में 114 रन से, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। पीटर वन बिल्जन आएंगे यहाँ से, 4 मैचेस के अंदर 23 के एवरेज है, 94 रन है, ये दोस्तों एक सुलझा हुआ प्लेयर है, बोलते हैं ना यार मैच्योरिटी इस खिलाड़ी के अंदर थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी, ये मैच निकाल सकता है एक तरफा खुद अगर अच्छे से बैटिंग करे। हाईएस्ट 42 पाकिस्तान के खिलाफ में, 30+ 2 बार कर रखे हैं। CSA T20 लीग के अंदर बहुत अच्छा फिनिश करा था, 5 मैचेस के अंदर 150 रन थे। लिंडे आएंगे यहाँ से, जैसा आपसे दोस्तों पिछले वीडियो में अपने डिस्कस करा था वही मैंने अभी तक सिंबल बना रखा है जो पिछले वीडियो में था। लिंडे साहब CSA T20 लीग के अंदर 5 मैचेस के अंदर 8 विकेट, 120 रन, यार क्या परफॉर्मेंस था इस खिलाड़ी का, एक नंबर खिलाड़ी है। 2 मैचेस में 3 विकेट है, 26 रन इसका विद द बैट है। एंडली फिलवाकियो 8 मैचेस के अंदर 8 विकेट, कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तो, उनको टीम ना बैटिंग दे रही है ना बॉलिंग दे रही है।
इसी तरह दोस्तों मिगेल पेट्रिस ना मेरे हिसाब से भी एक फायरिंग बंदा है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। CSL T20 लीग के अंदर 4 मैच में 62 रन और 6 विकेट थे। T20 के अंदर 19 में 25 विकेट है, डेब्यू कर सकते हैं। बैरन हैंड्रिक्स का 5 मैचेस में 11 विकेट है, पहली पारी के अंदर 2 मैचेस में 4 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर देखो एक भी मैच में विकेटलेस नहीं जाते हैं, दूसरी पारी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ में 3 मैचेस में 7 विकेट है। CSL T20 लीग 6 में 7 विकेट था। सिसांदा मंगाला आएंगे, 2 मैचेस के अंदर 1 विकेट है, लास्ट मैच के अंदर बब्बर आजम को बहुत अच्छा बोल्ड करा था 50 पे जब खेल रहे थे वो। CSL T20 लीग के अंदर भाई ने फिनिश करा था हाईएस्ट विकेट टेक करके तौर पे 6 मैचेस में 13। शमशी जी दूसरी पारी के अंदर कहर मचाते हैं, 8 विकेट है दूसरी पारी के अंदर, पहली पारी में 3, टोटल मिला के 8 मैचेस में 11 विकेट है पाकिस्तान के खिलाफ में। आएंगे लिजार्ड विलियम्स, 2 मैचेस में मैं कह सकता हूँ अब बहुत ही शानदार इसने बॉलिंग का प्रदर्शन दिया था, 3 विकेट्स है, पहले मैच के अंदर आई थिंक 1 विकेट था, दूसरे मैच के अंदर इसका 3 विकेट था और पहले मैच में 1 विकेट था, तो इसके 2 मैचेस में 4 विकेट होनी चाहिए। ठीक है, स्टैट दोस्तों मेरे दिमाग में रहते हैं तो आपको मैंने बता दिया। CSL T20 लीग अच्छी गई थी, 5 मैचेस में 7 विकेट थे। काइले वरनाइने का पहली पारी के अंदर आप देख सकते हो, जब बैटिंग करे तो आप ले सकते हो, 21 मैचेस के अंदर 34 की एवरेज है, 500 रन है रिसेंट फॉर्म, 5 मैचेस में 25 की एवरेज, 123 रन रिसेंट फॉर्म। रसी वंडरसन खेलते तो आप देख सकते हो उनके स्टैट्स। स्टार्टिंग में डालेंगे बैरन हैंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, ये दोनों तो कंफर्म ही है। अगर यहाँ से मिगेल पेट्रिस खेलते तो वो डालेंगे, वरना सुशांता मंगाला। डेथ ओवर में आएंगे बैरन हैंड्रिक्स, लिजार्ड विलियम्स और यहाँ से आई थिंक मिगेल पेट्रिस से सुशांता मंगाला। पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने 8 मैचेस के अंदर 60 की एवरेज रखी है, 300 रन है, हाईएस्ट 104 है, 30+ 4 बार करा है, अलग खिलाड़ी दोस्तों ये भी। और मेरे हिसाब से वाइल बैटिंग फर्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी पारी के अंदर पीछा करते हैं, PSL के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर थे शर्जील खान, 8 रन इसका, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में हेड टू हेड मैचेस के अपन बात कर रहे हैं। वाइल्ड चेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बैटिंग फर्स्ट में कुछ नहीं करते हैं, लास्ट मैच में भी वही हुआ था। PSL के अंदर 5 मैचेस में 200 रन, बबर आजम 8 मैचेस में 33 के एवरेज, 250 रन, हाईएस्ट का 90 है, 30+ 4 बार गिरा है। वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट 90-50-44-38, तो बैटिंग फर्स्ट में इस भाई साहब की तगड़ी एवरेज है। और दूसरी बारी के अंदर थोड़ा सा अटके हैं, 23-14-5-0 PSL के अंदर अच्छा करा था। मोहम्मद हफीज, ये दोस्तों इस खिलाड़ी के अंदर मेरे लिए मोस्ट वेलेबल प्लेयर हो सकता है, प्लेयर टू वॉच आउट है, 12 मैचेस के अंदर 25 की एवरेज है, 275 रन है, पिछले मैच में अच्छे टच में दिखा था, गलत शॉट खेल के आउट हो गया था वहाँ पे, हाईएस्ट 86 है, मतलब गलत शॉट नहीं था, वो बॉल एक्स्ट्रा बाउंस ले गई थी लिंडे की, मतलब कट मारने की कोशिश कर रहे थे, बॉल ग्लव्स पे लगती है तो आई थिंक बैट पे लगी थी, हल्का साइज लगता है और सीधा वहाँ पे क्लासिम बाबा ने कैच पकड़ लिया था, 30+ 3 बार है। रिजवान वाइल बैटिंग अपने हफीज है ना, वाइल बैटिंग फर्स्ट 86-63-32-25-14-13-10, बैटिंग सेकंड में ज़्यादा नहीं गिरा है। PSL का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, हैदर अली का 4 मैचेस के अंदर 21-15-12-10 रन है, फहीम अशरफ 7 मैचेस में 4 विकेट विद द बैट 91 रन है, रिजवान 5 में 5 विकेट 23 रन विद द बैट है। PSL के अंदर रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक था, हसन अली आएंगे 5 मैचेस में 6 विकेट है, इसका उमदा परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, T20 स्पेशलिस्ट के रूप में इसको जाना जाता है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है। उस्मा कादिर दोस्तों दूसरी पारी के अंदर कहर मचाते हैं, 2 मैचेस के अंदर 5 विकेट है, लास्ट मैच के अंदर भी भाई साहब ने दूसरी पारी के अंदर ही अपना जलवा भी खेला था, 2 विकेट निकाले थे वहाँ पर, एक तो आई थिंक एडिन माक्रम का आउट करा था और एक तो फिर अपने वो थे पीटन विल बिल्जन। शंशा वृद्धि यहाँ पर 7 मैचेस में 5 विकेट है, इनका हमेशा से ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में T20 के अंदर स्टैट्स खराब रहे थे। PSL के अंदर 4 मैचेस में 9 विकेट, हरी श्रॉफ 3 मैचेस के अंदर 2 विकेट है, हेड टू हेड मैचेस में फकार जमान का 4 मैचेस में 17-14-4-27 है। वाइल्ड चेसिंग इंपॉर्टेंट फकार जमान, हसनैन का 1 में 1 विकेट है, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग डालेंगे शंशा अफरीदी, मोहम्मद नवाज, हसन अली, डेथ ओवर में आएंगे शंशा अफरीदी, हसन अली, हरी श्रॉफ है तो मोहम्मद हसनैन। अब देखो जब भी स्वैनी के ऊपर मैचेस में तब क्या आपको ध्यान देना है स्वैनी के ऊपर ना, साउथ अफ्रीका की तरफ से आनिमान मलन ने 2 मैचेस के अंदर 36 रन करें, वाइल बैटिंग फर्स्ट 34, वही बात आती है बैटिंग फर्स्ट मैच अगर आप बैटिंग सेकंड में 2 रन करा था। एडिन माक्रम का दोस्तों ग्राउंड है, 12 मैचेस के अंदर 47 की एवरेज, 326 रन है यहाँ पर, पहली पारी में 33-27-23-2 11 मैचेस इसने बैटिंग करी है। क्या कहने का मतलब क्यों हुआ, मतलब ये हुआ कि एडिन माक्रम ने इस वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस खेल के सिर्फ 11 बार बैटिंग करी है, एक बार तो मैच रद्द हो गया था बारिश के कारण इनका। अब देखो दूसरी पारी के अंदर एडिन माक्रम ने इस वेन्यू के ऊपर क्या करा, 63-56 नॉट आउट, 51 नॉट आउट, 44-18 नॉट आउट, 6 नॉट आउट, तो भाई साहब सिर्फ एक ही बार आउट हुआ है, उसके अंदर भी 44 करके गया था। वाइल्ड चेसिंग एडिन माक्रम एट दिस वेन्यू इनसेन, अलग लेवल पे खेलता है खिलाड़ी पीटन वन बिल्जन। लेकिन बात वो आती है मेरे लिए दोस्तों, मेरे जो गट फील है ना यहाँ पर, गट फील मैं आपको कहूँगा, स्टैट्स दोस्तों आपके सामने है, बैक टू बैक 2 मैचेस में इसने 50+ करा है, तो
इस मैच के अंदर ना थोड़े से लेजी शॉट्स खेल सकता है, लापरवाह वाले शॉट्स रहते हैं ना। प्लेयर को क्या लगता है, प्लेयर को ये लगता है भाई मैंने दो बैक टू बैक मैच 50 कर दिया, सिलेक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं रहेगा जब अपने शॉट्स मार सकता हूँ। ऐसे मैचेस में दो चीज़ें होती हैं, या तो एकदम अलग पारी खेलेंगे 50 प्लस ठीक है, या तो फिर दोस्तों अंडर 20 आउट होंगे इस मैच के अंदर, जो मुझे लग रहा है। तो इस मैच में शायद जल्दी आउट हो सकते हैं, मेरा गट फील है, देखते हैं क्या होता है। पर टीम में तो लेके रखना है, बहुत शानदार खिलाड़ी है। पीटर में बिल्जन का 8 मैचेस में 154 रन 38 की एवरेज, पहली पारी में 42-32 11-5-3-0, दूसरी पारी के अंदर 61 की पारी नॉट आउट। हेनरिच क्लासिन 17 मैचेस के अंदर 419 रन, अच्छा परफॉर्मेंस वाइल बैटिंग फर्स्ट दोस्तों अच्छा करा है, बैटिंग सेकंड में तो और खतरनाक है, 69-36-36-34 नॉट आउट, 24-17-15 नॉट आउट। दो लिंडिस आपका 5 मैचेस में 2 विकेट है, 25 रन है, इस वेन्यू के ऊपर थोड़ा सा अटके। मैं सीधी बात आपसे कहूँ तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। एनली फिलवाक्यू 11 मैचेस में 7 विकेट है, 33 रन विद द बैट है, और बात वही आती है यार टीम इससे बॉलिंग कराएगी या नहीं कराएगी। मिगल ब्रिटिस का 1 में 2 विकेट है, वंगाला का 7 में 5 विकेट है, बैरन एंडिस का 7 में 7 विकेट है, 3 मैचेस में विकेटलेस गया था स्वेनी के ऊपर। शमशी जी का 18 में 18 विकेट है, और बड़ी बात क्या है, बड़ी बात दोस्तों है कि शमशी का होम ग्राउंड है, यहाँ पर 18 मैचेस खेल चुका है शमशी ठीक है, और ये 9 मैचेस में फ्लॉप हुआ था और 9 मैचेस में बहुत तगड़ा चला, 18 विकेट निकाल दिए, पहली पारी में 7, दूसरी पारी के अंदर 11। लाइजर्ड विलियम्स का 1 मैच में 3 विकेट, अच्छा परफॉर्मेंस, बेंच के ऊपर आएंगे डस्टन वगैरह तो उनका आप स्टैट देख सकते हो, बाई चांस खेल ले। तो इस श्रेणी के ऊपर हफीज बाबा ने 86 की पारी खेली थी, 3 विकेट निकाले थे, तो जो आज 13 की बात है ठीक है, 13 की बात। रिजवान 26 बैटिंग फर्स्ट, वकार जमान 17 बैटिंग फर्स्ट, वबर अजम बैटिंग फर्स्ट, हसीफ अली 25-0, फहीम मशरफ का यहाँ पे 2 विकेट है, नवाज का यहाँ पे 3 विकेट दोस्तों रह चुका है। ये देख के थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात लगी मुझे, ये कब निकाला था, ये उन्होंने निकाला था यहाँ पे मजानजी सुपर लीग जो होती है ना MSL, यहाँ पे चलती है, जो जैसे अपने इंडिया के अंदर IPL चलती है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग चलती है, इस तरह वहाँ पे चलती है। शेरशाह अफरीदी का 1 विकेट है। प्लेयर बदल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनिमान मलन का स्ट्रगल है, नवाज के सामने 2 बार आउट है, कादिर के सामने 1 बार आउट है, 20 बॉल के अंदर सिर्फ 10 रन है। एडिन माकरम का स्ट्रगल है यहाँ पर, शेरशाह अफरीदी के सामने 2 बार आउट है, अशरफ के सामने 1 बार, कादिर के सामने 1 बार। P10-1 बिल्जन का स्ट्रगल है, कादिर के सामने, हसन अली, शेंशा अफरीदी के सामने, रस्सी वन डसन शायद ही खेलेंगे, इनका स्ट्रगल हसन अली के सामने रहा है। हेनरिच क्लासन का स्ट्रगल है यहाँ पर, हरीश रॉफ, फहीम अशरफ, हसन अली के सामने थोड़ा थोड़ा है। हैंडली फिलवाक्यू का स्ट्रगल हरीश रॉफ के सामने कुछ ज़्यादा रहा है, हसन अली ने परेशान करा है। रिजवान का दोस्तों यहाँ पर स्ट्रगल है किसके सामने, रिजवान का स्ट्रगल है यहाँ पर फलवाक्यू के सामने, शमशी के सामने, लिंडे के सामने। फकर जमान का स्ट्रगल है बैरन हेंड्रिक्स के सामने, 53 बॉल के अंदर भाई साहब को 4 बार चलता करा है, 46 रन बनाए। शमशी ने 1 बार आउट करा है, स्पिन के सामने इनका हमेशा इशू रहा है। बबर अजम का स्ट्रगल है यहाँ पर बैरन हेंड्रिक्स के सामने, 67 बॉल के अंदर 2 बार आउट करा है और 2 बार इनको दूसरी बारी के अंदर चलता करा है। फुलवाक्यू ने 1 बार, मंगला ने 1 बार करा है। हफीज का स्ट्रगल है शमशी के सामने, लिंडे के सामने 1 बार आउट है, फलवाक्यू के सामने 2 बार आउट है। सरफराज अहमद, आसिफ अली का आप देख सकते हो। हैदर अली का स्ट्रगल यहाँ पे फलवाक्यू के सामने 8 बॉल के अंदर 1 बार 2 बार आउट हुए, हैंड्रिक के सामने 1 बॉल के अंदर 1 बार आउट हुए, शमशी के सामने 8 बॉल के अंदर 2 बार आउट हुए, 6 रन से दोनों बार इनको दूसरी बारी के अंदर चलता करा था। कॉमन कैप्टन बबर अजम, मोहम्मद रिजवान, ग्रैंड लीग दोस्तों बनाना, बनाओ दोस्तों यहाँ पे बबर अजम को, हफीज को, रिजवान को, अनिमान मलन को, और वही आपको सेफ जाना है तो आप ट्राई कर सकते हो एडन माकरम को, लिंडे को, थोड़ा सा डिफरेंशियल सर्जिल खान रहेंगे वाइल चेसिंग। वीडियो पसंद दोस्तों लाइक करना, डिसलाइक कर सकते हो, पूरी मैंने दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बात करेंगे टीम्स की, क्या रहने वाली दोस्तों यहाँ पे टीम्स। यहाँ पे मेरे कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, क्योंकि दोस्तों कीपिंग करते हैं आपको थोड़ी बहुत पॉइंट वहाँ पे दे ही देंगे। बबर अजम, क्लासेन, हेडिन माकरम, अनिमान मलन, लिंडे, हफीज, बैरन हेंड्रिक्स वाइल बॉलिंग सेकंड, लिजार्ड विलियम्स, हसन अली, कादिर। अब देखो ग्रैंडिंग अंदर क्या करना है, बहुत शानदार मैच है, जो प्लेयर्स यहाँ पे कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। रिजवान, क्लासेन दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, चलते हैं यहाँ पे कालिया वरना खेलते तो आप ले लेना, क्लासिक बैट्समैन है। हेडिन माकरम 2 बैक टू बैक मैच में 222 साहब ने कुछ 60 प्लस पॉइंट्स दिए, आई थिंक 70 प्लस पॉइंट्स दिए, तो इस मैच में देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं, देखने लायक रहेगा, क्या ग्रेविटी इसको नीचे गिरा पाती है या फिर से दोस्तों अपना इनफॉर्म बरकरार रखते हैं। दोस्तों बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है एडन माकरम। बबर अजम थोड़ा सा फॉर्म कंसर्न, वही स्ट्राइकर रेट इनकी इश्यू बन रही है, 120 के आसपास स्ट्राइकर रेट रह रही है। अनिमान मलन इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, जमन खेलते तो ट्राई कर लेना, सबको लेके जाना पड़ेगा। P10-1 बिल्जन ग्रैंड लीग पिक, यहाँ से आपको दिखेंगे ये शर्जिल खान वाइल चेसिंग, हैदर अली वाइल बैटिंग फर्स्ट अच्छा करेंगे इस मैच के अंदर ठीक है। लिंडे आधी टीम में रखना दोस्तों, आधी टीम से हटाना, पिछले मैच के अंदर तो मैं वही कहता आपसे वेन्यू स्टैट्स अच्छे थे, वंडरर्स के अंदर जो होता ना अपना मैच जोहान्सबर्ग के ऊपर, वहाँ पे स्टैट्स अच्छे थे, इस वेन्यू के ऊपर स्टैट्स थोड़े से एवरेज है, इतने खास नहीं है, तो देखना जा रहा है इस मैच में क्या करते हैं।
रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, हफीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो बहुत, नवाज को आप ट्राई कर सकते हो, स्वानी के ऊपर 3 विकेट निकाल रखा है इसने, सिर्फ 2 ओवर के अंदर निकाले थे, भी आपको बता दूं मैं, सिर्फ 2 ओवर के अंदर 3 विकेट निकाले थे स्वानी के ऊपर, MSL T20 लीग के अंदर 2017-18 की बात है। फहीम अशरफ बैटिंग से आपको कुछ ना कुछ करके दे देंगे, बॉलिंग से भी अच्छा कर लेते हैं कभी कभी, फिर आएंगे यहाँ से लुबे थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं यार, अच्छे खिलाड़ी वो भी हुआ करते हैं टाइम पे, तो हसन अली इंपॉर्टेंट, लाइजर्ड विलियम्स इंपॉर्टेंट, बैरन रिक्स वाइल चेसिंग जो बॉलिंग रहे दूसरी बारी के अंदर, शमशी जी दूसरी बारी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, शाहीन अफरीदी दोस्तों एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको टीम शायद रेस्ट दे सकती है, इस खिलाड़ी को दोस्तों टीम कितना नहीं कितना प्रेशर दे रही यार, इसको T20 खिलाती है टीम, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है तो भी दोस्तों इसको पाकिस्तान हर मैच खिला रही है, अलग लेवल की टीम है यार। उस्मा कादिर अच्छे दूसरी बारी के अंदर पिक, असेंट बॉलिंग फर्स्ट, मंगाला बॉलिंग फर्स्ट, आप ट्राई कर लेना, और दोस्तों कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, कैसे जुड़ना है लिंक इन द कमेंट सेक्शन जो आपको सबसे टॉप पे पिन करवा मिल जाएगा, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करके जाना, वरना आप डिसलाइक कर सकते हो, पूरी मैच आपके सामने, देखते रहिए दोस्तों स्टार्ट्स गुरु जी, जय हिंद जय जवान जय किसान।